चेंज इन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो थ्री आपने लिखना है, थ्री मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाता है 5 times 3 is 15. और जो न्यूमिरेटर होता है उसको हमेशा ऐड करेंगे प्लस वन, क्योंकि इस टाइम वन था, तो आंसर हो जाएगा 16. तो आपने इसको लिखना है 16/3. ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. इसी तरह जैसे हमारे पास अगले क्वेश्चन में 2/3/7, तो 2 जो है इसको आपने पहले लिखना है टाइम्स बाय डिनोमिनेटर 7 है, आंसर होता है 2 times 7 is 14. और इसमें 3 न्यूमिरेटर है सो प्लस 3, तो आंसर हो जाता है 17. तो आपका आंसर आएगा 17/ डिनोमिनेटर ज़रूर आपने लिखना और एज इट इज़ ही आता है 7. तो ये कंप्लीट हो जाता है.